किसी ने तान छेड़ी है सुरीली, कोई मीठा भजन सा गा रहा है, कोई भरकर स्वरों में भाव दिल के कन्हैया को पुकारे जा रहा है। भजन की महफिलें सजने लगी हैं, कहीं पर राम धुन बजने लगी है। भजन की महफिलें सजने लगी हैं, कहीं पर राम धुन बजने लगी है। सुरों में बांध कर मीरा के घुंघरू, यहाँ खुशियाँ कोई बरसा रहा है। जैसे सूरज जब प्रकाशित होता है तो उसके प्रकाश से सारा जग प्रकाशित हो जाता है, जैसे चांद जब अपनी चांदनी बिखेरता है तो सारी धरती, सारा आसमान उसकी चांदनी में नहा उठता है, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति का अस्तित्व संगीतमय हो जाता है तो उसके अस्तित्व की उपस्थिति से ही उसके आसपास का वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। संगीत मेरे परिवार में है, मुझे जो कुछ मिला है वो संस्कारों से ही मिला है। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, उनसे ही मैं बचपन से सीखता रहा। मेरी माँ श्रीमती कमला जलोटा, वो भी बहुत अच्छा गाती थी और कथक नृत्य भी बहुत अच्छा करती थी, तो उनके कारण मुझे लयकारी मिली क्योंकि उनकी लय की विशेषता थी। पिताजी से स्वर मिला, पिताजी से जो गायकी है वो मिली, तो मुझे परिवार से जो कुछ मिला उसी को मैं थोड़ा तराशता रहा, क्योंकि तराशना ज़रूरी होता है और तराशना अपने ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अपने ढंग से तराशा जाएगा तो वो हीरा ज़रा अलग लगेगा, और अगर उसी तरह तराश दिया जैसे और हीरे तराशे गए हैं तो वो हीरा वैसे लगेगा जैसे दूसरे। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी गायकी को कुछ ऐसा बनाऊं, तो मैंने बड़े बड़े कलाकारों को खूब सुना, पंडित जसराज जी को, ओमकार नाथ ठाकुर जी को, डी बी पलुस्कर साहब, मेरे पिताजी आमिर खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी जी, बेगम अख्तर साहिबा, मेहंदी हजरत साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह, तो इन सबको सुन के उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो मैं अपने गाने में उतार सकता था वो मैंने उतारी, तो ये सब मेरे गुरु हो गए। तो इन सब से सुन सुनकर मुझे लगा इनमें ये अच्छी चीज़ है, इसको मैं अपने गाने में ढाल लूँ, तो मेरा गाना ज़रा अलग हो गया सबसे। अक्सर होता है कि जो लोग मेहंदी साहब जैसा गाते हैं वो केवल मेहंदी साहब जैसा गाते हैं, तो लोग कहते हैं उनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़े से मेहंदी साहब ले लिए, थोड़े गुलाम अली ले लिए, थोड़े जगजीत साहब ले लिए, कहीं पंडित भीमसेन जोशी ले लिए, कहीं जगजीत सिंह साहब को ले लिया, ये सब चीज़ें मिलाकर एक एक कॉकटेल सिंगिंग बन गई मेरी। शायद लोग उसका इसीलिए आनंद लेते हैं कि भाई इसमें कुछ नयापन है, सच तो ये है कि नयापन कुछ नहीं है, मैंने कुछ कमाल नहीं किया है, मैंने इन लोगों की नकल की है और मैं आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं सच्चाई से इन सबको अपना गुरु मानता हूँ और इनसे मैं सुन सुन कर सीखता हूँ। मैं महीने में 20 शहरों में ट्रैवल करता हूँ, दुनिया भर कॉन्सर्ट करने जाता हूँ, सुबह से लोगों को सिखाता हूँ और मैं निशुल्क सिखाता हूँ, किसी से कोई पैसे नहीं लेता। और दूसरी बात है कि किस तरह से हम इतने वर्षों से गा रहे हैं, इसको मेंटेन किया है, तो मेंटेन तो रियाज से होता है, और कोई तरीका है नहीं, एक ही तरीका है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है अच्छा गाने का, इसका एक ही तरीका है कि खूब रियाज करें, सुबह खर्च का रियाज करें, दिन में अपने गाने गाएं, ताने गाएं। हमने पिताजी से बचपन में पूछा था कि खर्च का रियाज तो बहुत ज़रूरी, कहने लगे हाँ बहुत ज़रूरी, तो मैंने कहा कैसे करें, ज़्यादा गाने में मुश्किल होती है, कहते खर्च में बोलना शुरू कर, तो मैं बोलता ही खर्च में, तो जब खर्च में बोलेंगे तो सारा दिन उसका रियाज चलता, ये रियाज ही है खर्च का, गा लिया तो गा लिया, नहीं तो बोल रहे हैं भाई, 7 साल की उम्र थी तो भी रोज प्रोग्राम कर रहे थे, 5 रुपए मिलते थे एक प्रोग्राम के, 63 ईयर्स अगो,
उसके बाद धीरे धीरे वो 10 रुपये फीस हो गई, फिर वो 15 रुपये फीस हो गई, 20 रुपये हो गई। लखनऊ जब छोड़ा 20 साल की आयु में तो 200 रुपये फीस थी। आज हम जो मांगते लोग देने को तैयार हैं। तो हमने उतार तो देखा ही नहीं, चढ़ाव ही चढ़ाव देखा है, क्योंकि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। पद्मश्री मेरे पिताजी को भी मिला, मुझे भी मिला। ये हमारे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि 2 पद्मश्री मिले हैं एक परिवार में। बाकी ये जो सम्मानित उपाधियां मिलती हैं, इसके बाद हमारे परिवार में जरा इसको एक अलग ढंग से लिया जाता है। मुझे याद है मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे बेल्ट से अपना सूटकेस उठा रहा था, इंदौर से आया था, तो बेल्ट में से जब मैंने सूटकेस उठाया तो फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, जी हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं, आपको पद्मश्री देना चाहते हैं इस साल, आप एक्सेप्ट करते हैं? पहले पूछा करते थे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग मना कर देते थे। पद्मश्री कहो तो कहते नहीं हमको पद्म भूषण चाहिए, ऐसे लोग मना कर देते थे। तो इसलिए वो लोग परमिशन लेते थे, पूछते थे क्लियरेंस। तो जब हमसे पूछा तो मैंने कहा, जी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कह के, और मैंने वो फोन काटा और सबसे पहला फोन अपनी माँ को किया। उनको हम चाय जी बोलते थे। मैंने कहा, चाय जी आपको बड़ी खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी, हाँ मुझे भी बड़ी खुशी है, अब आज से जरा ठीक से गाना। हमारे यहाँ उपाधि को, सम्मान को इस तरह लिया जाता है कि वो दायित्व तो बढ़ गया, अब रियाज और अच्छा करो और इसको सिद्ध करके दिखाओ जो पदवी मिली। संगीत की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। संगीत के भीतर सबको समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता होती है। वेशभूषा से परे संगीत मन का आह्लाद है, संगीत मन का आनंद है, संगीत मन की प्रसन्नता है। लोग भक्ति संगीत पसंद करते हैं हमारा, तो उनके अंदर एक इमेज भी बनती है कि ये आदमी कुछ ऐसा होगा, साधु संत होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। ये जो लोगों ने इमेज बनाई है, उस इमेज को बरकरार रखने के लिए हमें अपना व्यवहार अपने भजनों जैसा रखना पड़ेगा। वेशभूषा नहीं, आडंबर नहीं करना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और लोगों से अच्छी तरह मिलेंगे। मैंने बचपन में पिताजी से पूछा था कि सक्सेस कैसे मिलेगी, गाना तो आप हमें सिखा रहे, हमको मेहनत कर रहे हैं। कहते सक्सेस मिलने का एक ही तरीका है कि अगर तुम्हारी प्रतिभा 19 है और तुम्हारा व्यवहार 20 है तो तुम्हारा रिजल्ट होगा 21, और अगर तुम्हारी प्रतिभा 21 है, व्यवहार 20 है तो रिजल्ट हो जाएगा 19। तो हमने सोचा कि हमारी प्रतिभा तो 10 भी नहीं है, तो हम लग गए पीछे कि भाई लोगों से प्रेम से मिलो, लोगों को आदर दो, लोगों को सम्मान दो, और फिर हर स्तर के लोगों को समान सम्मान दो। ये नहीं कि इस वक्त यहाँ अगर मुकेश अंबानी आ जाए तो मैं और सबको यहाँ से निकाल दूंगा कि भाई वो आ गए, ऐसा नहीं। मुकेश अंबानी जी को भी वही सम्मान दिया जाएगा जो आपको दिया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई विशेषता है। आप में कोई विशेषता होगी तभी आप ऐसे बने हैं, मुकेश जी में कोई विशेषता है तो वो मुकेश बने हैं। लेकिन कोई किसी से छोटा बड़ा इस संसार में है ही नहीं, इसलिए ये चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ, इसीलिए सबसे मुझे निरंतर प्रेम मिलता है। हर एक शख्स को रब ने है बराबर की इनायत बख्शी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ किरदार अलग होते हैं।